हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश विद एनके प्रजापत। आज दिनांक 19 मार्च 2021 को राजस्थान लोक सेवा आयोग ने संस्कृत शिक्षा विभाग में प्रधानाध्यापक पदों की एक वैकेंसी जो है निकाली है, जिसकी टोटल पोस्ट है 83। 83 पदों पर ये सीधी भर्ती HM की, हेडमास्टर की होने जा रही है, जिसके फॉर्म जो हैं वो भरे जाने हैं। और आपके सामने जो ये विज्ञप्ति है उसके में महत्वपूर्ण जो पॉइंट्स हैं, बिंदु हैं, वो आपके सामने रखूँगा। टोटल जो पोस्ट हैं 83 हैं, जिसमें जनरल सामान्य के 31 है, जनरल महीना के 6 हैं, बाकी विधवा परित्यक्त के इस तरह से हैं। SC में जनरल जो है 11 है, ST में 7 है, OBC में जनरल 12 है, MBC में 3 है और EVS में सामान्य 6 हैं। सामान्य मतलब पुरुषों की, और महिलाओं की विधवा की अलग लिखी हुई है सब। तो ये हुई पोस्ट की बात। नीचे आगे चलते हैं, इस वैकेंसी की पूरी PDF अगर आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मेरे WhatsApp नंबर लिखे हुए हैं, आप वहाँ पर HM एडवर्टाइजमेंट या HM वैकेंसी की PDF लिख कर मुझे एक मैसेज भेजें, मैं आपको हाथों हाथ वहाँ पर वो PDF अवेलेबल करा दूँगा। यहाँ पर देखो, मेन चीज़ जो है एजुकेशनल जो योग्यता है, शैक्षणिक योग्यता आपको क्या होनी चाहिए, ये यहाँ पर मैं आपको बता दूँ। यहाँ पर लिखा हुआ है सेकंड क्लास इन शास्त्री बैचलर डिग्री, यानी संस्कृत शिक्षा में शास्त्री उसने की वो उसमें सेकंड क्लास सेकंड डिवीज़न होना चाहिए, ठीक है, न्यूनतम। और उसका या डिग्री कॉलेज या तो शास्त्री में होना चाहिए या डिग्री कॉलेज जो सामान्य कॉलेज से आर्ट्स साइंस में हो, वहाँ पर मिनिमम जो है 48% से उसने BA BSc की हो। शिक्षा शास्त्री और डिग्री डिप्लोमा इन एजुकेशन जो भी हो, मान्यता प्राप्त कॉलेज से यूनिवर्सिटी से की हो। इसके अलावा ये डिग्री के अलावा मिनिमम 5 ईयर एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग इन एनी स्कूल, 5 सालों का कम से कम पढ़ाने का अनुभव आपको होना चाहिए। और अनुभव के साथ साथ वो जिला मुख्यालय पर DO ऑफिस में जो शिक्षा टीचिंग एक्सपीरियंस बनता है, अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र बनता है, वो होना जरूरी है। वर्किंग नॉलेज ऑफ हिंदी रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट एंड नॉलेज ऑफ, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ है जो है 48% से आपकी डिग्री हो और 5 सालों का पढ़ाने का अनुभव हो। और ध्यान दें, पढ़ाने का जो अनुभव है, चाहे वो सरकारी स्कूल हो चाहे निजी स्कूल हो, वहाँ पर भी चलेगा, या कोई केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया हुआ हो तो भी चलेगा, ठीक है। ये देखो, कोई मतलब APR हो, ठीक है, APR जो चल रहा है वो भी भर सकता है फॉर्म। 5 वर्ष का अध्यापन अनुभव राजकीय विद्यालय और निजी विद्यालयों में अर्जित होना चाहिए, ठीक है, ये आपको प्रमाण पत्र वहाँ पर बनाना होगा। इसके अलावा ये जो HM की पोस्ट है वो L14 में आती है, और न्यूनतम आयु 21 और अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। और इसके अलावा यहाँ पर देखो, सभी जो कैटेगरी हैं, सभी जो वर्ग हैं, उनमें जो अधिकतम आयु सीमा छूट दी गई है 5 वर्ष OBC SC ST में दी गई है, और सामान्य वर्ग महिला राजस्थान राज्य आर्थिक रूप से पिछड़े हुए उनको 5 वर्ष, ठीक है, और जाति SC ST अन्य पिछड़ा वर्ग की महिला अभ्यर्थी को 10 वर्ष, महिला अभ्यर्थियों को 10 वर्ष है, और विधवा विवाह परित्यक्त इत्यादि को कोई एज लिमिट नहीं है, ठीक है। तो ये हुई जो आयु में छूट है। इसके अलावा और कौन से इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको मैं इस वैकेंसी के बताता हूँ। यहाँ पर जो है चयन प्रक्रिया, यहाँ पर चयन प्रक्रिया जो लिखी हुई है, अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से होगा, यानी कंपटीशन एग्ज़ाम होगा, और ऑप्शनल क्वेश्चन आएंगे वही जो हमेशा आप एग्ज़ाम देते हो उसी तरह का। आवेदन तिथि यानी कब से आवेदन स्टार्ट हो रहे हैं, 24/3 से 23/4, 1 महीना, यानी 24 मार्च से ये फॉर्म जो हैं भरे जाने शुरू होंगे, ठीक है। और इस वेबसाइट पर, RPSC की इस वेबसाइट पर ये फॉर्म अप्लाई आप कर सकते हो, ठीक है। और ये एप्लीकेशन ID वगैरह है, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, मेन चीज़ जो है जो मैंने आपको बताती है। और इसकी PDF के लिए आप मुझे डिस्क्रिप्शन में मेरे जो
व्हाट्सएप नंबर लिखे हुए वहाँ पर आप मुझे मैसेज करें, PDF लिखें HM वैकेंसी की, मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है। और यहाँ साथ में संशोधन का भी लिख दिया है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट के 10 दिन तक बाद आप संशोधन 300 रुपये देकर कोई नाम में डिग्री में करा सकते हो। और फॉर्म अगर कुछ मिस्टेक भर दिया हो तो ये यहाँ पर देखो फीस है, सामान्य वर्ग, आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग, क्रिमिनल, अन्य पिछड़ा वर्ग, क्रिमिनल के अन्य पिछड़े और अति पिछड़ा वर्ग के लिए 350, राज्य के नॉन क्रिमिनल OBC अति पिछड़ा वर्ग के लिए 250 रुपये और बाकी जो सब है उनके लिए 150 रुपये शुल्क हैं। ये हैं दोनों ही पेपर जो होंगे, दो पेपर होंगे, फर्स्ट जनरल स्टडी के और सेकंड जो है जनरल अवेयरनेस अबाउट एजुकेशन एंड एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन। ये 3 घंटे का होगा, दोनों तीन तीन घंटे का है, दोनों में लिखा हुआ है, दोनों का जो सिलेबस इस तरह से राजस्थान से रिलेटेड, इंडिया वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड, इंडियन पॉलिटिक, कंप्यूटर, राजस्थान इंडिया वर्ल्ड ज्योग्राफी, जनरल साइंस से रिलेटेड, ये पहला पेपर होगा। दूसरा मेंटल एबिलिटी, स्टैटिक्स, एजुकेशनल साइकोलॉजी, पेडागोजी, मैनेजमेंट, स्कूल का कैसे है चिल्ड्रन को, वो फ्री एजुकेशन एक्ट 2009, ठीक है, इस तरह से करंट अफेयर भी है, करंट जीके भी हैं, लैंग्वेज एबिलिटी टेस्ट हिंदी इंग्लिश, ये तो कोई जनरल है बात। ये हुई आपके सभी चीज़ जो इस वैकेंसी से इम्पोर्टेंट हैं। तो ये हैं HM पद की प्रतीक्षा करने वाले अभ्यर्थियों के लिए बहुत ही अच्छी खबर, अब वो इस HM पद की तैयारी आप आराम से कर सकते हो और अपने सपनों को साकार कर सकते हो। PDF के लिए आप मुझे मैसेज ज़रूर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, पसंद आया तो ज़रूर लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।